बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हर्चो की फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों को ये रेसिपी नहीं पसंद होती, लेकिन आप ये एक दफ़ा खाएं तो आपका दिल करेगा कि हम डेली यही सालन बनाएं। आज हम बनाएंगे शलजम पालक। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर ऐड किया है घी। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और इन्हें अच्छी तरह पकाएँगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। उसके बाद ये नमक है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं पालक। अब हम इसमें ऐड करेंगे शलजम। शलजम की मैंने कटिंग कर ली थी। अब हम इसे हल्का हल्का हिलाते हुए पकाएंगे। ये बनाने में भी बहुत इजी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। उसके बाद इसे हम तकरीबन 15 मिनट तक प्रेशर दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये देखें, शलजम और पालक हमारे गल चुके हैं बिल्कुल सही तरीके से। अब हम इन्हें थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अगर आपने मैश नहीं करने तो आप खड़े खड़े भी रख सकते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, तो जिस तरह आपका दिल करे आप उस तरह रख सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद ये धनिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने से रेसिपी में बहुत ज़्यादा खुशबू आ जाती है और जायका भी बड़ा अच्छा आता है। अब हम कटी हुई अदरक से इसको गार्निश कर लेंगे। बस थोड़ी ही देर में हमारा बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार होने वाला है। वीडियो स्किप ना किया करें, लास्ट तक देखा करें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ये इतने मज़ेदार होते हैं कि अगर आपको पसंद है लेकिन आपके बच्चों को नहीं पसंद, तो एक दफ़ा उन्हें बना के खिलाएं, इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बस एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें, फाइनल लुक कितनी अच्छी आई है और खुशबू भी बहुत ही कमाल की है। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल हर चौकी फूड सीक्रेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैंने सब्ज़ धनिए से और अदरक से इसे गार्निश कर लिया है ताकि लुक और ज़्यादा खूबसूरत आ जाए और खुशबू भी बढ़ जाए। आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपने शलजम गोश्त बनाना है तो वो भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।